फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SB TechMath एंड आई एम सुनील बंसल। सो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक न्यू चैप्टर लीनियर मैपिंग, चैप्टर नंबर 5। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, वेक्टर स्पेस पढ़ लिया है हमने, ठीक है, उसमें सब स्पेस पढ़ लिया है, ठीक है, लीनियर सब स्पेस क्या होता है और कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सीखने के बाद वेक्टर स्पेस कैसे टेस्ट करेंगे आप, सब स्पेस कैसे टेस्ट करेंगे, ये सब भी हमने ऐड किया, ठीक है। अब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, या जैसे चैप्टर का नाम है लीनियर मैपिंग, राइट। तो इस वाले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आप कैसे उसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन या कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिया है वो लीनियर है या नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करता है या नहीं करता, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में सीखेंगे, ठीक है, और रेंज स्पेस क्या होता है, डायमेंशन फिर से आ जाएगी इसमें, ठीक है, कि इमेज सेट क्या बनाता है और कर्नल क्या होता है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। तो चलिए करते हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। आप सभी लोग मैपिंग तो पढ़ के आए हैं, ठीक है। मैपिंग क्या होती है, आपके पास एक डोमेन रहता है, एक कोडोमेन रहता है और एक रूल डिफाइन होता है, उसे बोल देते हो आप एफ, ठीक है। इसे ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया, ये हो जाता है आपका डोमेन, ठीक, और ये हो जाता है कोडोमेन, ठीक है। इसमें आप मैपिंग डिफाइन करते हैं तो मैपिंग वन वन होती है, ऑन टू होती है, वन वन ऑन टू दोनों होती हैं, तो तीन तरह की हमारे पास मैपिंग होती है, वन वन, ऑन टू एंड वन वन ऑन टू, ठीक है। ये मैपिंग कौन सी मैपिंग होती है, वन वन कब कहलाती है, इफ एफ ए इक्वल टू एफ बी, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी, राइट। दैट मीन्स इफ टू इमेजेस आर सेम देन द एलिमेंट्स आर सेम, राइट। यदि एफ ए और एफ बी कहां पर होंगी, कोडोमेन या आप बोलिए रेंज में होंगी, ठीक है। जो जो इमेजेस का सेट होता है वो क्या बना देता है, रेंज बना देता है, तो ये रेंज में होंगी, तो वो बोलता है यदि ये दोनों कैसी है, इक्वल है, तो ये किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग होंगी, तो वो ये बोलता है ये दोनों एलिमेंट भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, कब, व्हेन फंक्शन इज वन वन और मैपिंग इज वन वन, ठीक है। या इसे प्रूव करने का एक तरीका और है, टेक टू डिफरेंट एलिमेंट, राइट, एंड इम्प्लाई एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, ठीक है। दो तरीके हैं, व्हेन इमेजेस आर सेम यू कैन शो दैट ए इक्वल टू बी, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। सेकेंड मेथड, व्हेन एलिमेंट्स आर डिफरेंट देन इमेजेस आर डिफरेंट, ठीक है। ये दो तरीके हैं वन वन दिखाने के आपके पास। फिर आ जाता है ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या होता है, जो आपका कोडोमेन होता है, यहाँ पे हम रेंज की बात नहीं करते, कोडोमेन की बात करते, कोडोमेन के अंदर आप कोई भी एलिमेंट लो, ठीक है, और उस एलिमेंट की कोई भी एलिमेंट ले लिया आपने P, ठीक है, तो उस एलिमेंट के लिए आपको कम से कम एक एलिमेंट कहाँ पर मिल जाना चाहिए, A के अंदर, डोमेन के अंदर, ठीक है, सच दैट, यहाँ पे आपने मान लिया P प्राइम, सच दैट F ऑफ P प्राइम इक्वल टू P, ठीक है। कोडोमेन के अंदर आपने कोई भी एलिमेंट लिया तो वो किसी ना किसी एलिमेंट की यदि इमेज है और ये ईच P के लिए हो जाए, ठीक है, आर्बिट्रेरी पी लिया है आपने, तो यदि कोडोमेन के ईच एलिमेंट के लिए आपने क्या करा, प्री इमेज ढूंढ ली, इसे बोलते हैं प्री इमेज, तो वो क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है, ठीक है। ऑन टू में हम क्या करते हैं, इफ फोर ऑल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ए बिलोंग्स टू ए सच दैट F of A equal to B, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज करा है एट लीस्ट, तो एट लीस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंटों की इमेज P हो सकती है, ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए, कम से कम एक प्री इमेज मिलनी चाहिए, एक से ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है, तभी मैं उस फंक्शन को ऑन टू कह पाऊंगा, ठीक। वन वन ऑन टू, कोई फंक्शन यदि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो वो क्या कहलाता है, वन वन ऑन टू, इसे वन वन करस्पोंडेंस भी बोलते हैं, वन वन करस्पोंडेंस, ठीक है। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, दो टर्म है, एक तो है इनवर्स इमेज,
और दूसरी है इनवर्स मैप, इनवर्स मैप और इन्वर्टेबल मैप। ये देखिए क्या होती है, जो इनवर्स इमेज है, ठीक है, कोई भी मेरा फंक्शन है, कोई भी मेरी मैपिंग गिवन है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, कोई भी इधर से एक सेट उठाऊंगा, कहां से, बी से, यानी कि बी प्राइम मैंने क्या लिया, सेट लिया, और इस बी प्राइम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनवर्स इमेज ढूंढ रहा हूँ। तो जब मैं इसके एलिमेंट के लिए इनवर्स इमेज ढूंढूंगा तो वो मुझे कहाँ मिलेगी, इसके अंदर मिलेगी, यानी कि इनवर्स इमेज ऑफ बी प्राइम, इनवर्स इमेज ऑफ बी प्राइम इक्वल टू ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू बी प्राइम। ठीक है, इसका मतलब समझो, कोई भी आपको सबसेट दिया हुआ है किसका, कोडोमेन का, ठीक है, उसकी मुझे क्या करनी है, प्री इमेज निकालनी है, यानी कि वो एलिमेंट निकालने हैं जो इस बी प्राइम के एलिमेंटों से मैप हो। ठीक है, तो मैंने वही करा, ए बिलोंग्स टू ए, इसके अंदर से मुझे वो सारे एलिमेंट चाहिए जो एलिमेंट कहाँ पर हो, बी प्राइम में हो। इनवर्स इमेज का मतलब ये होता है आप यहाँ से कुछ भी उठा सकते हो कोडोमेन से, ठीक है, कुछ भी सेट, पूरा कोडोमेन भी उठा सकते हो, उससे छोटा सबसेट भी उठा सकते हो, या कोई सिंगल एलिमेंट भी ले सकते हो। ठीक है, यानी कि जो प्री इमेज का कॉन्सेप्ट है वो पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए है, ठीक है, कि आप किसी एलिमेंट की प्री इमेज देख रहे हैं, राइट, यहाँ पर हो जाएगा ये प्री इमेज। बट इनवर्स इमेज और इनवर्स मैप में क्या डिफरेंस हो जाएगा, जब मुझे बी के ईच एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल जाए और मेरा फंक्शन कैसा हो, वन वन हो, ठीक है, तब मैं उसे क्या कहता हूँ, इन्वर्टेबल मैप कहता हूँ। ठीक, बट इनवर्स इमेज में वन वन होना जरूरी नहीं है, इनवर्स इमेज में मैं केवल क्या बात करता हूँ कि मैंने इसका कोई भी सेट लिया या सबसेट लिया, ठीक है, और उसके एलिमेंटों की प्री इमेज देख रहा हूँ मैं, दैट्स इट। ठीक है, वो प्री इमेज एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो मुझे केवल क्या करना है, इनवर्स इमेज निकालनी है इस वाले टर्म के अंदर। बट इस वाले टर्म के अंदर मेरा फंक्शन कैसा होना चाहिए, इन्वर्टेबल होना चाहिए, यानी कि यदि मैं ऐसे लिखता हूँ एफ ऑफ ए, एफ इज ए टू बी, देन एफ इनवर्स इज डिफाइंड बाय बी टू ए, ठीक है, एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैप बना लेगा, राइट, कैसे बनाएगा, तो यहाँ पे आपने ये ए लिख लिया, इसे बी, और इसे फिर से आपने ए लिखा, यहाँ से आप क्या डिफाइन कर रहे हैं, एफ मैप, यहाँ से आप एफ इनवर्स डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि मैं इनका कंपोजिशन मैप लूँ तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ एफ, ये हो जाएगा ए टू ए हो जाएगा, यानी कि ये आइडेंटिटी देगा, ठीक है, किसके लिए, ए के लिए। ठीक है, इसी तरह से जब आप एफ ऑफ एफ इनवर्स करेंगे, एफ ऑफ एफ इनवर्स, ये आपको आइडेंटिटी देगा किसके लिए, बी के लिए देगा। ठीक है, एफ इनवर्स, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट, इनवर्स इमेज और इन्वर्टेबल फंक्शन। इन्वर्टेबल फंक्शन तभी पॉसिबल है जब वन वन ऑन टू दोनों हो, और इनवर्स इमेज आप किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी सेट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब इससे ये तो था बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि वन वन ऑन टू एंड वन वन ऑन टू कैसे आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसे लीनियर मैपिंग भी बोलते हैं। तो हम मोस्टली जो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड सिंबल है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हम वही यूज करेंगे। ठीक है, एलटी से दिखाते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म। तो व्हाट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए क्योंकि हम यहाँ पे बात किसी की कर रहे हैं, यहाँ हम कोई भी सेट नहीं ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर सेट की टाइप है वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब जितनी भी हम बात करेंगे सारी की सारी नेक्स्ट में वेक्टर स्पेस के ऊपर ही बात करने वाले हैं। हमारे पास दो वेक्टर स्पेस हैं, वी और यू। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर स्पेस, और ये वेक्टर स्पेस कैसे है, ओवर सेम फील्ड। जब भी आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं तो दो वेक्टर स्पेस की आपको जरूरत पड़ेगी, दोनों कहां पर होंगे, सेम फील्ड के ऊपर होंगे, राइट। सो लेट टी बी अ मैपिंग फ्रॉम वी टू यू, राइट।
Then T is called linear transformation. Then T is said to be LT, linear transformation, if it satisfies two conditions. First, T of V plus W equal to T of V plus T of W for all V, W belongs to capital V. ठीक है, आपने V से दो एलिमेंट उठाए, ठीक है, उन्हें सम करा और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करा, तो वो TV plus TW हो जाना चाहिए. सेकेंड कंडीशन है T of alpha V equal to होना चाहिए alpha TV for all alpha belongs to field, that means scalar, and V belongs to capital V vector. ठीक है, यदि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, ठीक है, कोई भी मैपिंग है और वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो वो क्या कहलाती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है. राइट, इन दोनों कंडीशन को मिला के एक नई कंडीशन भी बना सकते हैं हम, और जो मोस्टली हम यूज करेंगे. राइट, थर्ड, टी ऑफ अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा टी ऑफ वी प्लस बीटा टी ऑफ डब्ल्यू फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू कैपिटल वी. राइट, ये वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो इसे हम जब भी कोई भी वो ट्रांसफॉर्मेशन देगा या मैपिंग देगा और बात करेगा कि चेक करो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करता है या नहीं करता, तो हम सबसे ज़्यादा यही वाली कंडीशन यूज़ करेंगे. ठीक है, यहाँ से मुझे एक रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट क्या है, हमने बात करी है कि सेकेंड कंडीशन होल्ड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ. अब जब हम फील्ड की बात करें तो फील्ड में तो जीरो भी होगा, तो यदि मैं यहाँ से जीरो रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलता है मुझे, टी जीरो इक्वल टू जीरो इंटू टीवी, टीवी फिर कुछ भी हो तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. यानी कि यदि आपको कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसमें जीरो एलिमेंट की जो इमेज होगी वो क्या होगी, जीरो ही होगी. ठीक है, दैट मीन्स यदि जीरो की इमेज जीरो नहीं है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा. ठीक है, हम पूरे मैथ में, पूरे लीनियर अलजेब्रा में या आगे रियल में, कॉम्प्लेक्स में, एक चीज बिल्कुल थंब रूल लेके चलेंगे, If P implies Q, right? That means not Q implies not P. ठीक है, यदि P Q को imply करता है, image of zero is zero under a linear transformation. ठीक है, इसका negation क्या होगा? That means zero की image यदि zero नहीं है तो वो linear transformation नहीं होगा. ठीक है, तो ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये बहुत जगह काम आती है आपकी प्रॉपर्टी, कि आपको कोई केवल वन साइडेड रिजल्ट पता है और आप उसे क्या करते हो, इनवर्स करके भी यूज कर देते हो. बट वो कब करते हैं, जब इफ एंड ओनली इफ हो, बट जब वन साइडेड कंडीशन हो तो उसका सेकंड वाला पार्ट हम किससे करेंगे, नेगेशिएशन से करेंगे. ठीक है, तो ये तो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन. अब इसमें कुछ स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट जीरो ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कि आपने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करा सच दैट टी वी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी. ठीक है, जितने भी वेक्टर्स हैं वी, ठीक है, किसके अंदर, वेक्टर स्पेस वी के अंदर, उन सब की इमेज क्या कर दिया आपने, जीरो. यानी कि सबके सब मैप कहाँ पे करा दिए, केवल एक सिंगल एलिमेंट पे, जीरो पे. तो आप इसे इस तरह से दिखाते हैं, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसे, ये जीरो है ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, एक होता है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या होता है, आप सभी का पढ़ा हुआ होगा. सेकंड, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें वो किसकी बात करता है, कि उसने एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करा टी, ठीक है, इसी तरह से वी. जब वो आइडेंटिटी डिफाइन करता है तो वो टी वी टू वी करता है, ये भी आप बात याद रखिएगा. ठीक है, सच दैट टी वी इक्वल टू वी, यानी कि जिस एलिमेंट की आप इमेज निकाल रहे हैं उसे उसी से ही मैप कर दिया. ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ. तो ये जो मैप बनता है ये भी क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
फॉर्म करता है, और इसे दिखाते हैं आई से, ठीक है। आई क्या होगा, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये दोनों, ये वाला तो क्या हुआ, जीरो एलिमेंट की इमेज जीरो हो गई, ठीक है। और फिर आप किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन की इमेज लेंगे, वो भी क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड वाले में भी आप इसी तरह से दिखा सकते हैं, जीरो की इमेज जीरो होगी, ठीक है। और कुछ भी आप दो वेक्टर लेंगे तो उनकी इमेज भी क्या हो जाएगी, अल्फा, यहां से देखो, टी ऑफ अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू, ठीक है। ये क्या होगा, जब आप v को क्या लिख सकते हो, यहां से v को लिख सकते हो tv, ठीक है। यदि मैं यहां पे ऐसा लिखूं इसे, मैं बोल रहा हूं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये हो गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन, कि आपको कैसे चेक करना है, जीरो वेक्टर की इमेज जीरो ही होनी चाहिए, और जीरो ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब इससे आगे एक चीज और बताते हैं, मैट्रिसेस एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मैट्रिसेस एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको कोई भी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स दे रखी है, ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हो कैसे, टी फ्रॉम आर एन टू आर एम, ठीक है, डिफाइंड बाय टी ए यू इक्वल टू ए यू, ठीक है। ये टी ए क्यों लिखा है, ए मैट्रिक्स है, कौन सी, ये वाली एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक है। ए यहां पर एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक है। यू वेक्टर कहां से, आर एन से है। तो ये यदि आप ए यू लिख देंगे, ठीक है, तो ये जो होगी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेगा। कैसे करेगा बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो इमेज है वो कहाँ पे आनी चाहिए, m के अंदर आनी चाहिए, rm के अंदर। तो जरा देखो, जो a का साइज है वो क्या है, m क्रॉस n का है, ठीक है। और u का साइज क्या है, n क्रॉस 1 का है। तो फाइनल साइज क्या आएगा, m क्रॉस 1 का आएगा, ठीक है। तो au जो होगा वो m क्रॉस 1 का एक वेक्टर होगा, तो rm होगा। यानी कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा है, वेल डिफाइंड हो गया, ठीक। अब बात करते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जीरो वेक्टर होना चाहिए, जीरो वेक्टर की इमेज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक। u इक्वल टू जीरो लू, तो यहां से क्या आ जाएगा, आर एन में जीरो वेक्टर होगा, तो टी ए जीरो इक्वल टू ए इंटू जीरो, ठीक है। किसी भी आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो जीरो वेक्टर में, तो वो क्या बनाएगा, जीरो ही बनाएगा, ठीक है। तो टी ए जीरो, दैट मीन्स इमेज ऑफ टी अंडर ए, इमेज ऑफ जीरो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जीरो की तो इमेज जीरो हो गई। अब बात आती है, लेट यू एंड वी बिलोंग्स टू आर एन एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, राइट। देयरफॉर टी अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल टू टी ए, ठीक है। क्या हो जाता है, जो भी वेक्टर है उसकी प्रोडक्ट किस में कर देते हैं, ए में, यानी कि ए अल्फा यू प्लस बीटा वी, राइट। अल्फा क्या है, स्केलर है, तो ये बाहर आ सकता है, तो अल्फा ए यू प्लस बीटा ए वी। यहां से देखो जरा, टी ए यू इक्वल टू क्या है, ए यू, तो ए यू की जगह क्या रख सकता हूँ, टी यू, और ए वी की जगह क्या रख सकता हूँ, टी वी। तो इक्वल टू हो जाएगा ये अल्फा टी ऑफ यू प्लस बीटा टी ऑफ वी, ठीक है। यहां से देखो, टी ए अल्फा यू प्लस बीटा वी इक्वल टू अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी। तो ये क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक चीज मैंने यहाँ पे छोड़ दी, छूट गई मेरे से, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपने देखा दो कंडीशन होंगी उसकी, ठीक है, एक तो एडिशन वाली है और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली है, ठीक। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, ये दोनों की दोनों कहाँ से आई है, वेक्टर स्पेस में होती है ये दोनों प्रॉपर्टी, ठीक है, दोनों ऑपरेशन, ना कि प्रॉपर्टी। तो जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या करता है, इन ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है, ठीक है। एडिशन वाले को वो एडिशन में ब्रेक कर देता है, और
मल्टीप्लीकेशन वाले को वो मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक कर देता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम और यहाँ पे एक नाम जो ऐड हुआ हुआ है वो है लीनियर, ठीक है। तो कहीं भी अब देखिए मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा तो वहां से आप बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कैसे कैसे देख सकते हैं किसी भी फंक्शन को या किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को कि वो लीनियर फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको देखते ही पता चल जाएंगे कि ये तो कभी फॉर्म करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इससे आगे मैं आपको कराता हूँ एग्जाम्पल्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, राइट। सबसे पहले एक जून 2015 का क्वेश्चन मुझे मिल गया था, ठीक है, तो वो करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 31, इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब, ठीक है। कुछ उसने ट्रांसफॉर्मेशन दिए हैं आर स्क्वायर, ठीक है, और पूछा है कि इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करेगा। तो पहले क्या दिया हुआ उसने, फर्स्ट है एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 4x + y। सेकंड में उसने दिया है जी एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, और थर्ड में उसने कहा है एच एक्स वाई जेड इक्वल टू जेड माइनस एक्स एंड एक्स प्लस वाई, राइट। तो उसने पूछा है कि इनमें से ये तीन मैप उसने डिफाइन करे एफ जी एच फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर, ये कौन सा इनमें से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीरो की इमेज जीरो कहाँ पर आती है। यहाँ पे यदि मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो रखूँ, ठीक है, यानी कि मैं निकालू एफ जीरो जी जीरो और एच जीरो, ठीक है, तो पहले में क्या होगा, फोर आ जाएगा, फोर और नीचे जीरो, ठीक है, तो जीरो की इमेज जीरो नहीं, ये तो यहीं खत्म हो गया। सेकेंड वाले में ये जीरो आ जाएगा, ठीक है, और थर्ड वाले में भी ये क्या हुआ, जीरो आ गया, यानी कि सेकंड और थर्ड का आप आगे जाना होगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें दो वेक्टर लेने हैं, दो स्केलर लेने हैं और देखना है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है या नहीं बनाता, लीनियर कॉम्बिनेशन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन प्रिजर्व करता है या नहीं करता। तो दो वेक्टर लेंगे और दो स्केलर लेंगे और देखेंगे कि जो ऑपरेशन है वो प्रिजर्व होते हैं या नहीं होते, राइट। तो पहले में हमने ले लिया एक वेक्टर v ले लिया और एक w ले लिया, ठीक है। v में क्या है x1 y1 z1 और w में क्या हो गया x2 y2 z2, ठीक है। तो पहले हम इसके लिए चेक करते हैं, g ऑफ अल्फा v प्लस बीटा w, ठीक है, क्या करेगा ये, अल्फा की v में प्रोडक्ट और बीटा की w में प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या जाएगा, अल्फा x1 प्लस बीटा x2, अल्फा y1 प्लस बीटा y2, अल्फा z1 प्लस बीटा z2, करना क्या है, पहले दो एलिमेंटों की प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि अल्फा x1 प्लस बीटा x2 इंटू अल्फा y1 प्लस बीटा y2, और जो फर्स्ट टू एलिमेंट है उन्हें जोड़ देना, इन्हीं को ही आप क्या करो, जोड़ दो। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो अल्फा कॉमन आ गया x1 प्लस y1 और प्लस के बीटा x2 प्लस y2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे इस फॉर्म में लिखना है, अल्फा gv प्लस बीटा gw, ठीक है। यहां से मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं कि जो इसकी ऊपर वाली एंट्री है वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैच नहीं करेगी, ठीक है। अल्फा gv प्लस बीटा जी डब्ल्यू, ठीक है, क्या आएगी, जी वी क्या है, जी एक्स वन वाई वन जेड वन और जी डब्ल्यू क्या है, जी एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या आएगा, अल्फा जी वी की इमेज बनेगी एक्स वन वाई वन और एक्स वन प्लस वाई वन और यहां से एक्स टू वाई टू एक्स टू प्लस वाई टू, ठीक है, तो एक्स वन वाई वन एक्स वन प्लस वाई वन, ठीक है, और प्लस के बीटा एक्स टू वाई टू x2 प्लस y2। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा x1 y1 प्लस बीटा x2 y2। यहां से आपको कुछ टर्म एक्स्ट्रा भी मिलेंगी, ठीक है, x1
y2 और x2 y1 वाली, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, केवल x1 y1 और x2 y2 है, तो ये तो कभी इक्वल होगी नहीं, नीचे वाली इक्वल हो जाएगी, अल्फा ऑफ x1 प्लस y1, अल्फा ऑफ x1 प्लस y1 प्लस बीटा ऑफ x2 प्लस y2, ठीक है। ये यहाँ पे मैच हो रहा है, ये यहाँ मैच नहीं हो रहा, रीजन क्या है, रीजन देखिए यहाँ पे, ये एक्स वाई है, ये एक्स प्लस वाई है, इसमें से कौन सा लीनियर है, नीचे वाला, ठीक है, तो नीचे वाले की कंडीशन मैच हो रही है, ऊपर वाला कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, तो ये तो इसलिए नहीं करेगा, यानी कि कहीं भी आपको क्या हो, वेरिएबल्स की प्रोडक्ट हो, ठीक है, वेरिएबल्स की प्रोडक्ट हो, या फिर उसमें कुछ भी ऐसा हो कॉन्स्टेंट एड हो रहा हो, ठीक है, तो वहां आप क्या करोगे, देखते ही कैंसिल कर दोगे कि वो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाता। अब यही वाला फंडा हम यहाँ पे लगाए, क्योंकि ये भी लीनियर है, ठीक है, और ये भी कैसा है, प्लस माइनस से सेपरेट है, तो ये भी लीनियर है, ठीक है। अब हमें देखना है कि बस ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा ये वाला या नहीं बनाएगा, राइट। तो इसी वाले पार्ट में थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। तीसरे पार्ट में उसने कहा है एच, तो हमें निकालना है एच अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू, ठीक है। इसमें क्या करा है उसने, फर्स्ट टू एलिमेंट को तो ऐड कर दिया, यहाँ पे लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले को माइनस करा है, तो लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ से क्या आएगा, अल्फा जेड वन प्लस बीटा जेड टू, तो अल्फा जेड वन प्लस बीटा जेड टू माइनस फर्स्ट वाला एलिमेंट अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू, ठीक है। अब इसे जरा सेपरेट करो, अल्फा वाले एक साथ ले लो, बीटा वाले एक साथ ले लो, ठीक है। पहले में क्या आ गया, अल्फा जेड वन माइनस एक्स वन, ठीक है, और यहां से आ गया आपका अल्फा एक्स वन प्लस वाई वन प्लस, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। फिर आपने बीटा कॉमन लिया, यहाँ हो गया जेड टू माइनस एक्स टू, और यहाँ पे भी हो गया बीटा एक्स टू प्लस वाई टू, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एक मैट्रिक्स बनी है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स में क्या है, दो एलिमेंट है, तो इन दोनों एलिमेंटों को आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, क्योंकि क्या होता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही ऐड होते हैं। तो यहाँ से यदि आप इसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा ये दोनों चीज क्या देंगी आपको, ये बनाएगी एच एक्स वन वाई वन जेड वन, यानी कि एच वी, ठीक है, प्लस बीटा, ये वाली दोनों कंडीशन क्या बनाएंगी, यहाँ से आप देखोगे तो एच एक्स टू वाई टू जेड टू, यानी कि एच डब्ल्यू, ठीक है। तो हमने देखा कि एच जीरो इक्वल टू जीरो था, ठीक है, और एच ऑफ अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा एच वी प्लस बीटा एच डब्ल्यू, यानी कि थर्ड वाला जो केस होगा, थर्ड वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। तो मैंने यहाँ पे आपको दो चीजें बताई हैं, जब कभी भी कॉन्स्टेंट एड हो रहा हो, मेरी बात पे गौर करना, कॉन्स्टेंट ऐड हो रहा हो, मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ पे कुछ भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू ही दे दी उसने, यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं दिया, यदि मल्टीप्लाई में दे देता 4 को किसी भी एक्स वाई जेड के, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना देता, बट उसने क्या करा है, केवल कॉन्स्टेंट दे दिया है, ठीक है। यदि वो यहाँ ऐसा भी कर देता, प्लस कर देता, ठीक है, तो अब ये फॉर्म नहीं करता, यदि मल्टीप्लाई कर देता तब ये कर देता, क्योंकि तब ये कैसा रहता, लीनियर बना रहता, और कांस्टेंट को आप लीनियर नहीं कहते, राइट। जब दो वेरिएबल या एक से ज्यादा वेरिएबल की प्रोडक्ट हो रही हो, तब भी आप डायरेक्ट देखते डिस्कार्ड कर देंगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएगा, राइट। चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जो मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगे, जो मुझे सॉल्व कराने चाहिए, राइट। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, एक्सरसाइज से ही लिया है, एफ इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ इज अ ट्रांसफॉर्मेशन नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, r square to r square defined by r square to r cube defined by f x y equal to x plus 3 2y x plus y, ठीक है। हमें चेक करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो आप जीरो की इमेज ही देख लो इसमें, ठीक है, क्या हो जाएगी 3 0 0। तो मैंने इसलिए कहा है कि कहीं भी प्लस हो रहा हो कोई भी कांस्टेंट, तो जीरो की इमेज जीरो ही नहीं आएगी, यानी कि ये तो एलटी नहीं होगा, ठीक है, नॉट एलटी। सेकंड एग्जांपल है एफ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे है, आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई कॉमा एक्स, ठीक है। अभी अभी हमने करा था,
ये जो जीरो वाली कंडीशन है उसे तो सेटिस्फाई कर देगा, बट जैसे ही आप प्रोडक्ट वाली लगाओगे अल्फा एफ ओ एफ ऑफ अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू, तो वो वाली कंडीशन में ये एक्स वाई जो है ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स वाई की वजह से आप डायरेक्ट मना कर सकते हो कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएगा। राइट, थर्ड एग्जांपल है एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू मोड एक्स एंड वाई प्लस जेड, ये कहाँ से कहाँ है, आर क्यूब से आर स्क्वायर पे है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोड वैल्यू आ गई। हमने एक कंडीशन पढ़ी थी एफ ऑफ सी वी इक्वल टू सी एफ वी, सी क्या है, स्केलर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एफ इंटू माइनस वन एक्स वाई जेड। ठीक है, यदि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, देखो जरा क्या आता है, ये एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, इमेज निकालो क्या आएगी, एक्स का मोड यानी कि माइनस एक्स का मोड एंड प्लस वाई प्लस जेड यानी कि दोनों एंट्री का सम, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसे सॉल्व किया तो क्या आया, मोड एक्स कॉमा माइनस वाई माइनस जेड माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, यदि इसे बाहर ले लूँ मैं माइनस को, तो माइनस माइनस के मोड एक्स वाई प्लस जेड, वो कहता है कि ये वाला माइनस बाहर आके माइनस के एफ ऑफ एक्स वाई जेड बन जाना चाहिए था। क्या ये एफ ऑफ एक्स वाई जेड है, इसके बराबर है, ये नहीं है। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का फंक्शन भी आ जाए मोड का, तो भी वो कैसा होगा, नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी वो फंक्शन डिफाइन कर रहा है अंदर की तरफ, वो लीनियर फंक्शन बनाते हैं या नहीं बनाते, यानी कि एक लाइन में ड्रॉ हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, यदि वो एक लाइन में ड्रॉ हो पाए तो आप उसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करो। ठीक है, अदरवाइज आप उसे तुरंत डिस्कार्ड कर सकते हैं कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएगा। राइट, यदि लीनियर फंक्शन है तो आप उसे एक बार चेक करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सारे फंक्शंस को डायरेक्ट बोल देंगे, बट यदि वो नॉन लीनियर है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएगा। ठीक है, अब इससे आगे दो एग्जांपल और हैं, वो भी बहुत अच्छे एग्जांपल हैं कि आप को यदि कुछ मैं इमेजेस दे दूं, ठीक है, तो आप कैसे अनफोल्ड करेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं गिवन है आपको, केवल इमेजेस का सेट गिवन है कि इस वाले वेक्टर की ये इमेज हो गई है और सेकंड वेक्टर की ये इमेज, थर्ड वेक्टर की ये इमेज, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगा। जैसे क्वेश्चन दिया था उसने एफ कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स निकालनी है एफ के लिए। ठीक है, एफ कैसा है, इस तरह का है, राइट, एफ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे, और तो वो इस तरह से कहीं डिफाइन होगा एफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स टाइप से। ठीक है, तो उसने क्या करा, मुझे क्योंकि आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की बेसिस कितनी होगी, डायमेंशन कितनी होगी, टू, तो बेसिस के अंदर दो एलिमेंट, उसने दो ही एलिमेंट की मुझे इमेज दे दी। ठीक है, उसने क्या करा, मुझे एफ वन थ्री इसकी इमेज बताई कितनी है, माइनस टू फाइव, और एफ वन फोर इसकी इमेज बताई थ्री माइनस। ठीक है, अब उसने क्या पूछा कि ए मैट्रिक्स पूछी उसने। ठीक है, यदि ये ए मैट्रिक्स बता दूं तो आप क्या करोगे, ये पूरा का पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा हो जाएगा, अनफोल्ड हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, फिर आपको मैं एक्स की कुछ भी वैल्यू दूं आप उसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मुझे ये देखना है, ये जो दो वैक्टर हैं, ठीक है, यदि इन्होंने बेसिस बना दी तो मेरा बहुत हद तक काम आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो वन थ्री और वन फोर, क्या ये आपस में एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल हैं। जब दो वेक्टर होते हैं तो वे लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट तभी हो सकते हैं, डिपेंडेंट कब होंगे, जब वे एक दूसरे के मल्टीपल हों, और यदि ऐसा नहीं है तो वे कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, पहला वेक्टर है आपका वन थ्री और दूसरा है वन फोर। ठीक है, ये दोनों कभी भी के की वैल्यू के लिए इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, नॉट इक्वल, यानी कि ये कैसे हो गए,
एल आई हो गए। यदि मैं इन दोनों को एक सेट में रख दूं 1 3 एंड 1 4 तो ये क्या बन जाएगी, बेसिस बन जाएगी आर स्क्वायर की। और आर स्क्वायर की हमें स्टैंडर्ड बेसिस भी पता है क्या होती है, 1 0 0 1। इस वाली बेसिस का देखो क्या फायदा होता है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इस बेसिस का पता होने से क्या फायदा होने वाला है वो बताऊंगा, राइट। सबसे पहले हमें करना क्या है, ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये कैसी होगी, 2x2 की मैट्रिक्स होगी, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे। तो आपने मान लिया कि ए क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। जब आप इस ए बी सी डी की किस में प्रोडक्ट करोगे, एक्स में, ठीक है, तो ऐसे एक्स में प्रोडक्ट करोगे, 1 3 से प्रोडक्ट करी तो क्या आना चाहिए, -2 5, ठीक है। तो ए की मैंने क्या करी, 1 3 से प्रोडक्ट करी तो क्या आना चाहिए, -2 5। यहाँ से मुझे क्या मिला, ए बी की प्रोडक्ट 1 3 में, यानी कि ए प्लस 3 बी इक्वल टू -2 एंड सी प्लस 3 डी इक्वल टू 5, ठीक है, दो इक्वेशन हो गई। इसी तरह से जब मैं 1 4 में करूँगा तो क्या आना चाहिए, 3 -1 आना चाहिए, तो ए प्लस 4 बी इक्वल टू 3 एंड सी प्लस 4 डी इक्वल टू -1। ए प्लस 3 बी यहाँ पे रख दो, ए प्लस 3 बी प्लस बी करके वो कितना है, -2, दिस इम्प्लाइज -2 प्लस बी इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू 5, ठीक है, बी इक्वल टू 5 हो गया, तो यहाँ रख दो 5 4 20, और 20 जब दूसरी तरफ जाएंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -k 17, ठीक। इसी तरह से यहाँ सी प्लस डी की वैल्यू 5 है, यहाँ पे रख दो तो क्या मिल जाएगा, 5 + d इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज डी इक्वल टू -6, -6 यहाँ रखो, 6 4 24, -k 24 उधर जाके कैसे हो गए, +k 24, 24 - 1 23, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 23। ये हो गया पहला अनफोल्ड करने का तरीका, यानी कि ए मैट्रिक्स आपकी कैसी आ गई, ए की वैल्यू है -k 17, बी की वैल्यू 5, ठीक है, सी की वैल्यू 23 और डी की वैल्यू -6, ठीक है। अब यदि आपको ये वाली बेसिस दी हुई होती तो क्या होता, ठीक है, हमने बताया कि जो बी है वो क्या कर रहा है, बेसिस फॉर्म कर रहा है। अब यदि बेसिस फॉर्म कर रहा है तो एवरी वेक्टर कैन बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 3 एंड 1 4, ठीक है, हमें लिखना है 1 0, ठीक। तो आप क्या करो, इसमें 4 की मल्टीप्लाई, इसमें 3 की मल्टीप्लाई, क्यों करना है, क्योंकि सेकेंड एंट्री 0 करनी है, तो सेकेंड एंट्री का क्या करा, एलसीएम ले लिया, राइट, 12 आया, तो 4 की मल्टीप्लाई करी, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी, माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा, 1 0 मिलेगा, ठीक है। हमने कहा 1 0 कैन बी रिटन एज 4 × 1 3 - 3 × 1 4, ठीक है, सेकेंड एंट्री 0 हो जाएगी और फर्स्ट वाली में 4 - 3 1 बचेगा। इस पे टी लगा दो, ठीक है, टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। अब टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो लीनियर वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, तो 4t 1 3 - k 3t 1 4, ठीक है, 4t 1 3 आपको पता है कितना है, -2 5 - 3, t 1 4 भी आपको पता है कितना है, 3 - 1, सॉल्व करो कितना आया, 4 2 8 -k 8 एंड 3 3 9 -k 9 4 5 20 और -3 - 1 +3, ठीक है, कितना आ गया, -k 17 एंड 23, देखो -k 17 एंड 23, यानी कि जो फर्स्ट वाला वेक्टर होगा 1 0, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा -17 23। इसी तरह से आप 0 1 के लिए कर सकते हैं, 0 1 के लिए क्या करेंगे, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दीजिए, यानी कि 0 1 कैन बी रिटन एज 1 4 - 1 3, दोनों तरफ t ले लो, ठीक है, t डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि t 1 4 कितना है, 3 - 1 -t 1 3 कितना हुआ, -2 5, ठीक है, माइनस कर दो, 3 + 2 कितना हो गया, 5, और -1 - 5 कितना हो गया, -6, देखो सेकेंड वाली एंट्री, ठीक है। तो यदि आप स्टैंडर्ड बेसिस के लिए उसकी इमेजेस निकाल पाए, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जो भी वेक्टर आएंगे उन्हें कॉलम वाइज एज इट इज पुट कर दीजिए, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगी, ए मैट्रिक्स बन जाएगी, नहीं तो आप जो पहले वाला मेथड बताया उससे भी फाइंड आउट कर सकते, ठीक है।
टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है? मुझे लगता है समझ आ गया होगा आपके ये सब चीज। ठीक है, अब इससे आगे हम करते हैं वेक्टर स्पेस आइसोमोर्फिज्म। ठीक है, जैसे अभी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो इसमें एक स्पेशल टाइप का यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो हम उन दो वेक्टर स्पेस को जिनके बीच में हम मैपिंग बनाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, आइसोमोर्फिक कह देते हैं। वेक्टर स्पेस आइसोमोर्फिज्म क्या होता है? मुझे ऐसा हो जाए कि एक मैपिंग मिल जाए, कहां से, v से u के लिए, और ये मैपिंग कैसी हो, 1-1 on 2 हो। ठीक है, तो जैसी प्रॉपर्टी इसकी होगी वैसी ही प्रॉपर्टी u की होगी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, लेट t be a linear transformation right from v to u if t is 1-1 and on 2 both। ठीक है, ठीक ऐसा हो 1-1 on 2 हो, then we say t is an isomorphism between v and u and v is isomorphic to u। ठीक है, that means कहने का मतलब क्या है, यदि आपको v की प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, तो u की अनफोल्ड हो जाएगी, और u की प्रॉपर्टी पता है तो v की अनफोल्ड हो जाएगी। इन दोनों के बारे में पता करने के लिए आपको क्या करना है, केवल एक वेक्टर स्पेस के बारे में आइडिया लगाना है, एक वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है, तो दूसरे की सारी प्रॉपर्टी एज इट इज अपने आप फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो और हमने पिछले वाले टॉपिक में भी वेक्टर स्पेस में सबसे लास्ट में बताया था, कोई भी आपका n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो वो किससे मैप हो जाता है, के एन से, और के एन क्या था, कोऑर्डिनेट वेक्टर थे इसके अंदर, n टपल्स थे। ठीक है, तो कोई भी एक मैप यदि हम बना दें ऐसा, और ये कैसा था, बेसिस के करस्पॉन्डिंग था, दैट मीन्स कोई भी वेक्टर है v आपके पास तो उसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैप करा दूँ किससे, उसके कोऑर्डिनेट से, करस्पॉन्डिंग टू बेसिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होते थे, जो कोफिशियंट आते थे लीनियर कॉम्बिनेशन में उन्हें हम बोलते थे कोऑर्डिनेट। तो यहाँ एस क्या है, बेसिस है। ठीक है, यदि सपोज करो वी पॉलिनोमियल है, ठीक है, कहाँ से, वी मान लिया आपने पी टू एक्स है, ठीक है, और इसमें आपने लिया एक पॉलिनोमियल 1+x, तो यदि मैं इसे स्टैंडर्ड बेसिस के एक्सप्रेशन में लिखूंगा तो क्या होगा, 1 × 1 + 1 × x प्लस 0 × x2। तो इसका जो वेक्टर हो जाएगा, कोऑर्डिनेट वेक्टर होगा, वो क्या होगा, 1, 1, 0। ठीक है, इस सेंस में बात कर रहा हूँ। क्लियर है इतना? तो ये हो जाएगा वेक्टर स्पेस आइसोमोर्फिज्म। अब इससे नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, कर्नल एंड इमेज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल एंड इमेज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब बात आती है कर्नल किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं। इमेज का तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, ठीक है, किसे बोलते हैं, कि आपके पास कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी वी से यू पर, ठीक है, वी के एलिमेंट्स लिए आपने, वी बिलोंग्स टू वी, ठीक है, और आप क्या करते हैं, टी वी करते हैं, तो ये जो टी वी है इनका सेट बना दो आप, ठीक है, टी वी सच दैट वी बिलोंग्स टू वी। ठीक है, यही क्या हो जाता है, इमेज हो जाती है किसकी, टी की इमेज हो जाती है। तो ये तो हो गया इमेज सेट। कर्नल की बात करूं तो कर्नल थोड़ा सा अलग टाइप का सेट होता है। वो क्या कहता है कि आपके पास एक तो वी है और एक यू है, ठीक है, इस वी के अंदर एक सेट है, ठीक है, और क्योंकि यू और वी क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो जीरो तो होगा ही इनके अंदर। ठीक है, ये वाला जो सेट मेरे पास मिला है ये क्या करता है, सारे एलिमेंटों को जीरो पे मैप कर देता है। ठीक है, ये है जीरो, तो मुझे कर्नल के अंदर ऐसे ही एलिमेंटों में इंटरेस्ट होता है, कैसे एलिमेंटों में, v बिलोंग्स टू v सच दैट tv इक्वल टू जीरो। ठीक है, वे सारे एलिमेंट जो जीरो पे मैप होते हैं,
वो कहाँ जाते हैं, कर्नल में आ जाते हैं। देखो जीरो तो मैप होगा ही जीरो पे, ठीक है, यानी कि एक चीज और आई यहाँ से निकल गई, कर्नल ऑफ टी इज नॉन एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं हम, दोनों तरफ वेक्टर स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी ऑफ जीरो जीरो आएगा, तो इसके अंदर जीरो एलिमेंट तो जरूर आएगा, यानी कि कर्नल की कार्डिनलिटी कभी भी, ठीक है, वन से लेस तो हो नहीं सकती, कार्डिनलिटी की बात कर रहा हूँ, डायमेंशन की नहीं, ठीक है, डायमेंशन में भी जीरो, क्योंकि जीरो वेक्टर कैसा होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है, राइट। तो जिन जिन एलिमेंटों की इमेज क्या हो जाएगी, जीरो, वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, कर्नल के अंदर। अब बात आती है ये जो इमेज स्पेस बना, इमेज ऑफ टी बनी और कर्नल ऑफ टी बना, ये सब स्पेस फॉर्म करते हैं या नहीं करते, और करते हैं तो किसकी करेंगे, वी की करेंगे या यू की करेंगे, या फिर कौन सा सेट यू की करेगा, कौन सा सेट वी की करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम कर्नल की बात कर लेते हैं, कर्नल में हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स ले रहे हैं, कहां से, वी से ले रहे हैं, तो इसके अंदर सारे के सारे वेक्टर कहां से आएंगे, वी से आएंगे। तो यदि हम सब स्पेस की बात कर रहे हैं कर्नल की, तो कर्नल की, कर्नल किसकी सब स्पेस बनाएगा, वी की सब स्पेस बनाएगा, ठीक है, तो कर्नल इज ए सब स्पेस ऑफ वी। अब बात हम करते हैं कि ये सब स्पेस है या नहीं है, सबसे पहली बात जीरो वेक्टर इसके अंदर होना चाहिए, जीरो वेक्टर है इसके अंदर, ठीक है। फिर हम जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में रूल अप्लाई करते हैं, सेम हम सब स्पेस के लिए करते हैं, हम कहते हैं कि इसके अंदर दो वेक्टर लो, दो स्केलर ले लो आप, तो v एंड w बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ t, ये हमने मान लिया, एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड कुछ भी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, t ऑफ अल्फा v प्लस बीटा w, हमें यही तो निकालना है, ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँ, इसकी इमेज निकाल दूँ, इमेज यदि जीरो आ गई तो एक कर्नल में आ गया, नहीं आएगी तो नहीं आएगा। अब t क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहले से गिवन है, तो क्या करूँ, अलग अलग कर दूँ, अल्फा टी वी प्लस बीटा टी डब्ल्यू, वी कहाँ से, कर्नल से है, डब्ल्यू कहाँ से, कर्नल से है, तो इनकी इमेजेस क्या होंगी, जीरो, तो अल्फा इंटू जीरो प्लस बीटा इंटू जीरो क्या आ गया, जीरो, तो इसकी इमेज क्या आ गई, जीरो आ गई, यानी कि ये कहाँ पे लाई कर गया, ये कर गया कर्नल के अंदर लाई, ठीक है। तो जीरो वेक्टर भी कर्नल के अंदर हो गया और लीनियर कॉम्बिनेशन भी कर्नल के अंदर हो गया, तो कर्नल ने क्या करा, कर्नल इज, कर्नल ऑफ टी इज अ सब स्पेस किसकी होगी, ऑफ वी, ठीक है, जो आपका डोमेन, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, इमेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इमेज के अंदर देखो, इमेज के अंदर क्या आ रहा है, टीवी, और टीवी कहाँ पे होगा, यदि वी यहाँ है तो टीवी कहाँ होगा, यू के अंदर होगा, यानी कि इमेज ऑफ टी क्या करेगा, यू की सब स्पेस बनाएगा, किसकी सब स्पेस होगी, यू की सब स्पेस होगी। अब ये देख लेंगे ये बनाएगा भी या नहीं बनाएगा, सबसे पहली बात जीरो वेक्टर, जब हम रेंज की बात कर रहे हैं, इमेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीरो की इमेज जीरो होती है, तो जीरो तो इसके अंदर जरूर आएगा, ठीक है। फिर दूसरी बात, इसी तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, यहाँ पे हमने क्या करना है, दो वेक्टर मान लेने हैं, ठीक है, लेट यू एंड यू प्राइम बिलोंग्स टू इमेज ऑफ टी, ठीक है, इमेज ऑफ टी के अंदर है, तो मुझे क्या होगा, यू एंड यू प्राइम बिलोंग्स टू इमेज ऑफ टी, यानी कि यहाँ के अंदर है, यहाँ पर है, ठीक है, जब ये इमेज के अंदर है तो मुझे वी के अंदर कुछ वी तो जरूर मिलेगा जिसकी ये इमेज होगी, ठीक है। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट v and v prime belongs to v such that tv equal to u and tv prime equal to u prime, ठीक है, तब ये इमेज के अंदर आएंगे, यदि उनके लिए मुझे कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी तो वो इमेज सेट में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या करा, एक t v मिल गया और एक v prime मिल गया, कहाँ पर, v के अंदर। अब मुझे ये दिखाना है यदि u and u prime कहाँ पर है, इमेज में है, तो अल्फा u प्लस बीटा u प्राइम ये भी कहाँ पर है, इमेज में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यदि ये इमेज में होगा तो फिर मुझे एक वेक्टर v फिर से मिलना चाहिए, कहाँ पर, इसके अंदर, ठीक है, जिसकी इमेज क्या हो, ये हो, ठीक है। देखिएगा जरा, अल्फा u, u की वैल्यू क्या है, tv, अल्फा tv, ठीक, प्लस बीटा u प्राइम की वैल्यू क्या है, टी वी प्राइम, ठीक,
और टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी ऐसा भी तो हो सकता है अल्फा वी प्लस बीटा वी प्राइम, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि ये वाली जो इमेज थी वो किसकी थी, ये इस वाले एलिमेंट की इमेज थी, अल्फा वी प्लस बीटा वी प्राइम। और जब मैं इस एलिमेंट की इमेज कह रहा हूं तो ये वाला एलिमेंट कहां पर होगा, अल्फा वी प्लस बीटा वी प्राइम, ये कहां पे होगा, वी के अंदर होगा। तो क्या हुआ, मुझे इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक वी के अंदर एलिमेंट मिल गया जिसकी इमेज ये है, अल्फा यू प्लस बीटा यू प्राइम, ठीक है। तो इमेज ऑफ टी ने भी क्या करा, सब स्पेस बना दिया, बट किसका, यू का सब स्पेस बनाया, ठीक है। सो इससे आगे एक नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5.3। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पहले मैं वो पढ़ के सुना दूं आपको। उसने कहा लेट एफ इज अ लीनियर मैप फ्रॉम वी टू यू, एफ इज अ लीनियर मैप फ्रॉम वी टू यू, राइट। द कर्नल ऑफ एफ इज अ सबस्पेस ऑफ वी एंड इमेज ऑफ एफ इज अ सबस्पेस ऑफ यू, ये तो हमने यहां प्रूव कर लिया, ठीक है। उससे नीचे उसने क्या लिखा है, नाउ सपोज दैट वी वन वी टू वी एन स्पान अ वेक्टर स्पेस वी, ठीक है। जो एक सेट लिया उसने वी वन वी टू डॉट डॉट वी एन, ठीक है, ये किसे स्पैन कर रहे हैं, स्पैन ऑफ दिस सेट इक्वल टू वी, ये वी को स्पैन कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज लीनियर मैप, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन वी कैन फाइंड एफ वी वन एफ वी टू डॉट डॉट एफ वी एन, राइट, एंड दिस सेट विल स्पान फॉर विच सेट। अब क्योंकि ये क्या है, ये इमेजेस है, ठीक है, और इमेजेस को लेके स्पान कर रहा हूं, तो इमेजेस को लेके यदि स्पान करूंगा तो वो सारा क्या बनेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस बनेगा, तो ये हो जाएगी इमेजेस ऑफ एफ, ठीक है। दैट मीन्स क्या है कहने का यहाँ पर, कि इमेजेस ऑफ एफ में से आप कोई भी वेक्टर लीजिए तो वो वेक्टर किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, इन एफ वी वन एफ वी टू डॉट डॉट एफ वी एन के, ठीक है। ट्राई करते हैं एक वेक्टर के साथ, हमने मान लिया कि वी कहाँ पर है, कैपिटल वी के अंदर है। अब जब वी कैपिटल वी के अंदर है और ये वाला सेट किसे स्पैन कर रहा है, वी को स्पैन कर रहा है, तो ईच वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन। तो वी को आपने क्या करा, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया किसके, वी वन ए टू वी टू डॉट डॉट ए एन वी एन के, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इमेज में जाना है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया, एफ वी इक्वल टू एफ ऑफ ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू डॉट डॉट ए एन वी एन, ठीक है। एफ वी कहां पर चला गया, इमेज में चला गया। अब आप यहां पे आइए, एफ क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये इसे क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, ए वन एफ वी वन ए टू एफ वी टू डॉट डॉट ए एन एफ वी एन, ठीक है। तो यहां से आप देखिए जरा, एफ वी है वो कहां पर है, इमेज सेट में है, और वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, एफ वी वन एफ वी टू डॉट डॉट एफ वी एन के। दैट मीन्स क्या मतलब है यहाँ पर, कि यदि आपको एक स्पानिंग सेट दिया हुआ है v का, तो उन्हीं वेक्टर्स की आप इमेज निकालिए, ठीक है, ये निकालिए आपने इमेज, दे मे बी इक्वल और दे मे बी डिस्टिंक्ट, ठीक है, सारी की सारी डिफरेंट भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उसमें से सेम भी हो, राइट, क्योंकि हम इमेजेस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं करते कि इमेज इक्वल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि दो एलिमेंटों की सेम इमेज आ जाए, बट एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं आएगी, अदरवाइज वो मैपिंग डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चला कि जो आपने ये इमेजेस निकाली, ठीक है, ये इमेजेस भी किसे स्पैन कर देगी, इमेज ऑफ एफ को, ना कि यू को, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इमेजेस हैं, और जब इन्हें मैं ऐड करूंगा तो भी मुझे क्या मिलनी चाहिए, इमेजें मिलनी चाहिए, इमेज को ऐड करूंगा तो ये किसे स्पैन करेगा, इमेज ऑफ एफ को स्पैन करेगा, ठीक है। दिस इंप्लाई एफ वी कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ वी वन एफ वी टू डॉट डॉट एफ वी एन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, ठीक है, कल हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे, डायमेंशन का कॉन्सेप्ट भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इसे कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर
जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका होमोजीनियस सिस्टम में क्या यूज है। ठीक है, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, तो यदि आपने अभी तक कंटिन्यूएशन नहीं करा है, एक्चुअली पहले तो मेरा ही कंटिन्यूएशन नहीं हो पा रहा क्योंकि थोड़ा सा नॉइस क्रिएट हो रहा था, तो इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ आपसे, मेरा एग्जाम है एक, ठीक है, 2 तारीख को, जैसे आपका गेट का एग्जाम है, मेरा किसी जॉब के लिए एग्जाम है, तो यदि मैं किसी दिन वीडियो ना दे पाऊँ तो आप उसे एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कहीं भी आपको ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, जैसा मैं हर बार बोलता ही हूँ, पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, राइट। सो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।